हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। आज हम बात करने वाले दोस्तों 3 पेनी स्टॉक्स के बारे में, 3 पेनी स्टॉक्स। और ये शेयर 20 रुपीज़ के नीचे मिल रहा है दोस्तों, तो लगभग 20 रुपीज़ आप पकड़ सकते हो। और ये तीनों कंपनियाँ अच्छे रिटर्न बना के दे रही है अभी के टाइम में दोस्तों। तो अभी मार्केट में हर तरफ तेजी थी, आप सभी को पता है, और ये शेयर भी भागे। तो यहाँ से अभी इसे खरीदना है, नहीं खरीदना है, आप ये पूरा वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा। आप खरीद भी सकते हो और खरीद भी नहीं सकते हो, क्योंकि ये हीरो और जीरो वाले स्टॉक है दोस्तों। एक भाग गए तो कहाँ तक जाएंगे ये भी नहीं पता है, और नीचे आ गए तो कहाँ तक आएंगे ये भी नहीं पता है। मगर इनमें पोटेंशियल जरूर है, कुछ हुआ अच्छा तो ये कंपनियां भाग सकती है, और कुछ इन कंपनियों के साथ ऐसा ही चला रहा है तो ये कंपनियां जीरो जीरो भी हो सकती है दोस्तों। हीरो या जीरो, तीन स्टॉक ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपके पास कितना भी पैसा रहने दो, यहाँ पे आपको बस छोटी सी अमाउंट लगानी है, 10,000, 5,000, जितना आप लॉस सह सको। आपका लॉस टेकिंग कैपेसिटी कितना है, आप कितना रिस्क ले सकते हो आपके पैसों के साथ, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इस शेयर में जाना है या नहीं जाना है। तो अभी देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस देखिए, यहाँ पे 1 मंथ में 42%, 3 मंथ में 74%, ईयर टिल डेट में 40%, 1 साल में 63%, और 3 साल में देखोगे तो 621% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दी इसने। तो आप देख सकते हो ये कंपनी ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी का नाम है दोस्तों, और ये लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट ऑपरेटर एंड डेवलपर है रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट की। आप देख सकते हो इनके इंस्टॉलेशन कैपेसिटी वगैरह सब कुछ दिखाई, और इनका पोर्टफोलियो देखिए, ये बायोमास, बायोगैस, विंड एनर्जी, स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट करते हैं दोस्तों। और December 12 से ये कंपनी यहाँ पे काम कर रही है, और इनके पास ऑपरेटिंग प्रोजेक्ट 466 मेगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी इनके पास ऑलरेडी, और 406 मेगावाट विंड एनर्जी प्रोजेक्ट है, और 60.5 मेगावाट बायोमास प्रोडक्ट है प्रोजेक्ट है इनके पास। तो आप देख सकते हो ये कंपनी पोटेंशियल तो है, एनर्जी में काम कर रही है, अभी एनर्जी की डिमांड भी है और ये अच्छा काम कर रही है, और रिन्यूएबल एनर्जी में भी है। मगर दिक्कत क्या है ये कंपनी के साथ, आगे मैं आपको बताऊंगा। अब देख सकते हो ये शेयर भाग रहा है, ओरिएंट ग्रीन पावर 15 रुपीज़ पे मिल रहा है, कल ही के दिन इसमें 6% की रैली हुई है आप देख सकते हो यहाँ पे। और आप देखिए ये सिंगल डिजिट में चलता था 23 में ही दोस्तों, अभी अभी मार्च की बात है, सिंगल डिजिट 7.9 रुपीज़, और लगभग डबल हो चुका है ये अभी। आप देख सकते हो मार्च से लेके अगस्त तक, तो 2-4 महीने में ये शेयर डबल हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे से देखोगे तो, और यहाँ पे लॉन्ग टर्म पूरा 1 साल का देखोगे तो 59% के रिटर्न है। कंपनी का मार्केट कैप देखिए 1,140 करोड़। तो स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों, रिस्की टाइप की कंपनी है। तो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो या नहीं, आगे पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, और उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस कंपनी को खरीदना चाहिए या नहीं। और देखिए 5 साल में देखोगे तो 10 रुपये के नीचे ही था, और यहाँ पे ज़बरदस्त रैली 22 में ये 20 रुपीज़ के ऊपर गया था, फिर से करेक्शन, और करेक्शन के बाद फिर से ऊपर निकल रहा है स्टॉक। इसका 52 भी खाया है 16.8 रुपीज़ का, तो ये हाई तक तो जरूर जाएगा। बस यहाँ पे अभी टारगेट कितना रखना है, आप छोटा सा टारगेट रखोगे, एंटर कर लोगे, एग्जिट कर लोगे, अच्छी बात है। अदरवाइज आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप भी, उसके लिए भी अच्छी बात है। मगर ये शेयर कहाँ तक ऊपर जाएगा और कहाँ तक नीचे आएगा, शॉर्ट टर्म में भी करोगे और लॉन्ग टर्म में भी, किसी को नहीं पता है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी मैक्सिमम देखोगे तो ये 44 रुपीज़ पे 2010 में चल रहा था, वहाँ से जो गिरावट हुई 2010 से जो गिरावट हुई दोस्तों, सिंगल डिजिट में आ चुका था स्टॉक, और सिंगल डिजिट में अब भी 2 डिजिट में आया ये स्टॉक। तो ये अपने हाई को भी कब क्रॉस करेगा ये नहीं पता दोस्तों। और अभी देखिए यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट ठीक ठाक रिजल्ट थे, मगर सेल डाउन ही है। आप देख सकते हो 21.48% यहाँ पे इनका सेल डाउन है, और यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ा इनका, 9.29 करोड़ का प्रॉफिट है कंपनी का। तो आप रिजल्ट डिटेल में स्टडी भी कर सकते हो। और यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप देखिए 1,137 करोड़ का मार्केट कैप, फेस वैल्यू 10, ये फ्यूचर में स्प्लिट बोनस दे सकता है। और यहाँ पे देखिए अभी इसी पेज के ऊपर सब कुछ डिपेंड है दोस्तों, यहाँ पे कंपनी का डेट देखिए 283 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर, यहाँ पे 0.8 करोड़ कैश है, लगभग 80 लाख रुपीज़ का कैश है इनके पास, और 283 करोड़ का डेट है इनके ऊपर। प्रमोटर होल्डिंग है 32.48%, सेल्स ग्रोथ में भी गिरावट है 21% की, प्रॉफिट में अच्छी वृद्धि है दोस्तों, 1.114% की ग्रोथ है प्रॉफिट में, और आरओई आरओसी पॉजिटिव है, इतनी ही बड़ी बात है दोस्तों। और अभी देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास है 32.48%, DIs है 3.58%, छोटी कंपनी है मगर DIs अवेलेबल है दोस्तों 3.58, और पब्लिक माल पब्लिक के पास है पूरा का पूरा 64% पब्लिक के पास है, और इसमें सच बड़ा इन्वेस्टर कोई नहीं है दोस्तों इस कंपनी में। और एक बड़ी बात देखिए, प्रमोटर की जितनी भी होल्डिंग है, प्रमोटर की June 22 में 34.5% थी, June 23 में 32.4% पे आ चुकी, तो लगभग 2% के ऊपर इन्होंने स्टेक भी ऑफलोड कर दिया और पूरा का पूरा प्लेज कर दिया। यहाँ पे देख सकते हो 99.99% यहाँ पे प्लेज है। तो ये कंपनी की स्टोरी कब टर्न अराउंड हो सकती है, इसी कम इस कंपनी को कोई बड़ा इन्वेस्टर खरीद ले या इसमें कोई बड़ा इनफ्लो आ जाए, तो
तब इस कंपनी की स्टोरी टर्न अराउंड हो सकती है दोस्तों। अदरवाइज ऐसी ही कंपनी चलती रहेगी तो इनको प्रॉफिटेबल होने में अगले 20 साल लग जाएंगे। अपना डेट वगैरह सब क्लियर करते करते कंपनी को अगले 20 साल लग जाएंगे। मगर 20 साल में कुछ भी हो सकता है दोस्तों। किसी ने टेक ओवर कर लिया कंपनी को और कुछ हो गया, इन्होंने QIP के जरिए पैसा उठाया, राइट इशू निकाला, ऐसे करके अगर इन्होंने पैसा रेज किया और कंपनी आगे बढ़ाई तो हो सकता है दोस्तों, पॉसिबिलिटीज है। मगर यहाँ पे आपका हीरो या जीरो स्टॉक है दोस्तों ये। इसमें पैसा बनेगा नहीं बनेगा इन्वेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। आपको रिस्क लेना पसंद नहीं है तो छोटी अमाउंट लगाइए, अदरवाइज वीडियो देखिए और निकल जाइए। अदरवाइज आप छोटी अमाउंट लगाइए, 5,000 10,000, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, 1-2 लाख लगाने की सोचना भी मत दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की कंपनी है और कब आपका पैसा जीरो कर देंगी किसी को नहीं पता ही है। और अभी देखिए प्रमोटर की होल्डिंग प्लेज जो थी उसने भी यहाँ पे बढ़ा दी, प्रमोटर ने थोड़ा सा स्टेक कम कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे FIIs यहाँ पे 0.01% थे, उन्होंने माल बेच दिया, जीरो कर दिया। FIIs DIIs रिमेन अनचेंज, कोई यहाँ पे FIIs का यहाँ पे बाइंग नहीं आ रही है 4 क्वार्टर से, आप देख सकते हो। और नेक्स्ट कंपनी देखिए दोस्तों, इस भी कंपनी का प्राइस परफॉर्मेंस देखोगे तो 1 मंथ में 30%, 3 मंथ में 143%, ईयर टिल डेट में 89%, 1 साल में 165%, और 3 साल में 400% की रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दिए इसने, 3 साल में 400। और इसमें बिग शार्क इन्वेस्टर देखिए, IDBI बैंक 1.49%, बैंक ऑफ बड़ौदा 1.24, मुकुल महावीर प्रसाद अग्रवाल, ये जाने माने इन्वेस्टर है दोस्तों। और अभी अभी इन्होंने माल खरीदा है। इस कंपनी का 1% मीन्स लगभग 200 करोड़ होता है दोस्तों, 200 करोड़, और पिछले क्वार्टर में ही इन्होंने खरीदा है इस कंपनी को, तो लगभग 200 करोड़ का माल खरीदा है दोस्तों यहाँ पे। तो आज की डेट में 200 करोड़ की वैल्यू है, तो इन्होंने खरीदा तब कितनी थी वो नहीं पता दोस्तों, मगर पिछले क्वार्टर में खरीदा है। तो 3 महीने की रिटर्न देखोगे तो यहाँ पे 143%, तो इनका 100 करोड़ इन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, अभी 200 करोड़ हो चुका है दोस्तों, क्योंकि कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से ही 1% यहाँ पे कैलकुलेट होता है। और 200 करोड़ से भी ज़्यादा, मैं आपको आगे दिखाऊंगा अभी कितना मार्केट कैप है। कंपनी का नाम है सुजलॉन एनर्जी, ये कंपनी विंड एनर्जी में काम करती है, आप सभी को पता है, वेल नोन कंपनी है। सिंगल डिजिट से अभी 2 डिजिट में आ चुका है ये स्टॉक, और ये अभी पिछले क्वार्टर में प्रॉफिटेबल भी हो चुके हैं दोस्तों। बहुत लंबे समय से काम कर रही है कंपनी मार्केट में, और यहाँ पे इनके ऊपर डेट भी बहुत सारा है, और इस कंपनी को अभी देखोगे तो डेट है बहुत ज़्यादा है मगर प्रॉफिटेबल हो चुकी है, और रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है, ये 2 प्लस पॉइंट है इस कंपनी के पास। और देखिए यहाँ पे एंड टू एंड विंड पावर सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तो इंस्टॉलेशन वगैरह करके देते हैं, अपना पंप हो गया, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हो गया, तो इसे विंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे देखिए ये क्लाइमेट, ड्राई डेजर्ट, ह्यूमिड कोस्ट, नियर फ्रीजिंग प्लेन, तो इन सभी जगहों पे ये करके देते हैं अपने इंस्टॉलेशन। 2 प्रोडक्ट लाइनअप ऑफ सुजलॉन, 52 to 600 kW एंड 82 to 1.5 MW विंड टर्बाइंस है इनके पास, तो देख सकते हो विंड टर्बाइंस, तो ये पूरा इंस्टॉलेशन करके देते हैं दोस्तों। और इन्होंने एज सच अपने खुद का एसेट नहीं बनाया अभी तक, ये विंड पावर सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, ये खुद के इंस्टॉल करके जब इलेक्ट्रिसिटी बेचने लगेंगे तब इनको और ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है दोस्तों। और देखिए सुजलॉन एनर्जी 20 रुपीज़ पे चल रहा है स्टॉक, 6 महीने में 122% के रिटर्न, और कंपनी का मार्केट कैप देखिए 24,800 करोड़, तो 1% का मतलब है 240 करोड़ के ऊपर दोस्तों, 240 करोड़ के ऊपर यहाँ पे मुकुल महावीर प्रसाद अग्रवाल जी का पैसा है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो वो बड़े इन्वेस्टर है, और बड़े इन्वेस्टर ऐसे ही खेलते हैं दोस्तों, अभी उनको पता है ये भागने वाला है तो उन्होंने खरीद लिया, भगा भी दिया स्टॉक को, अभी वो कब ऑफलोड करेंगे ये नहीं पता दोस्तों, और हम कब खरीद के अंदर घुस जाएंगे और हम कितने समय तक यहाँ पे टिके रहेंगे वो भी नहीं पता दोस्तों। और 1 साल में देखिए यहाँ पे, 1 साल में देखिए यहाँ पे सिंगल डिजिट 7% से ये 7 रुपीज़ से ये 20 रुपीज़ तक आया, आप देख सकते हैं यहाँ पे धीरे धीरे 10 के ऊपर गया, फिर करेक्शन और फिर ज़बरदस्त रैली हुई है यहाँ पे। और मैक्सिमम देखोगे तो देखिए यहाँ पे ये लिस्टिंग के बाद 400 रुपीज़ तक गया था, जो एक बार गिर आउट हो चुके, पूरा फ्लैट ही चल रहा है दोस्तों, आप देख सकते हो इसको 50-100 क्रॉस करने में कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका कैश देखिए कंपनी के पास 410 करोड़ का कैश है दोस्तों, तो अच्छा खासा कैश है, 400 करोड़ का कैश है। और डेट देखिए कंपनी के ऊपर 4,261 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर, प्रमोटर की होल्डिंग बस 14.5% बची है दोस्तों। और अभी सेल्स ग्रोथ देखिए 223% सेल्स ग्रोथ बढ़ी है इनका, ROE तो 0 है, ROC 22% नेगेटिव चल रहा है, और प्रॉफिट एंड ग्रोथ देखिए यहाँ पे 129% नेगेटिव में चल रहा है दोस्तों प्रॉफिट ग्रोथ, तो प्रॉफिटेबल नहीं है अभी भी कंपनी, थोड़ा सा ब्रेक इवन पे आई है, 5-10 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है इस क्वार्टर में कंपनी ने, सेल्स मगर बढ़ रहे हैं इनके, आप देख सकते हो 223% की ग्रोथ है इनके। और रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल देखोगे तो 0, और रिटर्न ऑन कैपिटल नेगेटिव में चल रहा है। कंपनी का मार्केट कैप आपने देख लिया 24,960 करोड़, फेस वैल्यू 2, फ्यूचर में स्प्लिट बोनस दे सकता है ये स्टॉक, स्प्लिट बोनस क्या करोगे, भागना ही चाहिए स्टॉक ये।
और देखिए अभी सुजलॉन एनर्जी QIP के जरिए 2,000 करोड़ रेज करने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पे इनका ये कंपनी का स्टोरी टर्न अराउंड हो सकता है दोस्तों। 2,000 करोड़ अगर कंपनी के पास आ गए तो कंपनी थोड़ा डेट भी चुका सकती है, थोड़े से इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो सकती है और ये आगे बिजनेस में बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो इनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे अभी उम्मीद की किरण जाग रही है। 2,000 करोड़ यहाँ पे इनकी अभी फ्री होने वाले हैं अगर QIP के जरिए इन्होंने 2,000 रेज कर दिए, 2,000 करोड़। तो ये कंपनी आगे बढ़ सकती है दोस्तों। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, प्रमोटर के पास है 14.5%, FIIs है 7.79%, DIIs है लगभग 6% और बाकी पूरा माल पब्लिक के पास है। और पब्लिक में भी बड़े बड़े इन्वेस्टर है दोस्तों, दो चार बड़े इन्वेस्टर है इसमें, मगर यहाँ पे छोटी छोटी क्वांटिटी है उनके पास भी, ज़्यादा माल नहीं है। और बड़ा इन्वेस्टर है मुकुल महावीर प्रसाद अग्रवाल, उनके पास 1% का स्टेक है कंपनी का। और अभी देखिए प्रमोटर के पास जितनी भी है उसमें यहाँ पे 88% का जून 2022 में, फिर 100% कर दिया सितंबर 2022 में, और यहाँ पे अभी इन्होंने थोड़ा सा कम कर दिया प्लेजिंग 80.7%। तो जितना भी माल है वो भी प्लेज कर रखा है। तो थोड़ा सा रिस्की लगती है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा रिस्की कंपनी है दोस्तों दोनों। और तीसरी कंपनी भी ऐसी ही है दोस्तों। थर्ड कंपनी देखिए यहाँ पे 1 मंथ में 26.76%, 1 वीक में 31%, 1 साल में 100% के रिटर्न और 3 साल में 268% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दिए। इसमें बिग शार्क इन्वेस्टर देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 4%, कैनरा ग्रुप 3% और इंडियन ओवरसीज 1.9%। इस कंपनी के पास एसेट ज़रूर है दोस्तों, इनका जो पैसा है अभी शेयर वालों का कुछ नहीं रहता दोस्तों। जिन्होंने डेट दी है, जिस भी बैंक ने इस कंपनी को कर्जा दिया है, वो इनके एसेट बेच के पैसा निकाल सकती है, मगर ये कंपनी अभी भी चला रही है दोस्तों। ऐसा नहीं है इन्होंने NCLT फाइल कर दी, पूरा कंपनी को इन्होंने ये कर दिया, ऐसा नहीं है अभी तक। तो अभी तक तो चल रही है कंपनी, और इस कंपनी का नाम है बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड। ये कंपनी काम करती है शुगर में, शुगर मैन्युफैक्चरिंग करती है, और ये कंपनी है इंडियाज लार्जेस्ट इथेनॉल प्रोड्यूसर एंड फ्यूल इथेनॉल प्रोग्राम। तो यहाँ पे ये इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं, शुगर मैन्युफैक्चर करते हैं, पावर भी जनरेट करते हैं फ्रॉम बायो बायो गैसेस प्रोड्यूस दियर शुगर मिल्स। तो बायोगैस भी प्रोड्यूस करते हैं, एज वेल एज इनके डेंसिटी फाइबर बोर्ड MDF बनाते हैं, पार्टिकल बोर्ड्स बनाते हैं। तो बहुत सारा बिजनेस करती है ये कंपनी, और वुड कंस्ट्रक्शन में ये भी ये कंपनी काम करती है। थोड़ा सा फर्निशिंग वगैरह भी है इन। तो यहाँ पे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कंपनी का ऑल ओवर देखोगे तो बेसिकली इनका शुगर का बिजनेस है दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग शुगर और इथेनॉल, ये दो बिजनेस बड़े दोस्तों। और अभी देखिए कल के दिन इसमें 4% की रैली हुई है, 21 रुपीज़ पे चल रही है स्टॉक अभी, और 6 महीने में देखोगे तो 61% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दी इसने। कंपनी का मार्केट कैप 2,700 करोड़, ये भी छोटी कंपनी है दोस्तों। और मैक्सिमम देखोगे तो इसने 200% के रिटर्न 1999 से कंपनी मार्केट में काम कर रही है। सिंगल डिजिट में था ये स्टॉक, 400 के ऊपर गया था और वहाँ से जो शेयर गिरा है तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी वेल्थ डिस्ट्रॉय कर दी है दोस्तों। जिसने भी इसे लॉन्ग टर्म से भी होल्ड किया है उसकी पूरी वेल्थ डिस्ट्रॉय कर दी इस कंपनी ने। और अभी देखिए इस कंपनी का कैश है 21 करोड़, और डेट देखिए 4,243 करोड़ का डेट है दोस्तों। तो अभी बजाज की कंपनी है दोस्तों बजाज, तो पूरा यहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं है दोस्तों। आप चाहो तो इसे और स्टडी कर सकते हो, बाद में इन्वेस्ट कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका पैसा है, आपको कॉल लेना है, तो यहाँ पे आप बहुत सोच समझ के पैसा लगाना दोस्तों। सेल्स ग्रोथ है इनकी 13%, प्रमोटर होल्डिंग है 25%, ROE ROC यहाँ पे ROE निगेटिव में चल रहा है, ROC थोड़ा सा पॉजिटिव है, और प्रॉफिट में भी ग्रोथ है इनके 32.3%। प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, कंपनी लॉस में है दोस्तों, बस इनके लॉसेस कम होते जा रहे हैं, प्रॉफिटेबल नहीं हुई है अभी तक ये कंपनी। कंपनी का मार्केट कैप देखिए 2,752 करोड़, फेस वैल्यू 1। और अभी देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास है 24.95, तो 25% पकड़ लीजिए। FIIs है 1.6%, DIIs है 15.2% और पब्लिक है 58%। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में FIIs DIIs है थोड़ा सा, यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्फिडेंस तो आने की कुछ नहीं है, बस FIIs DIIs लॉन्ग टर्म से इन्वेस्टेड है तो इन्वेस्टेड है वो लोग। और देखिए प्रमोटर की जो भी होल्डिंग है पूरी प्लेज है दोस्तों, 100% प्लेज कर दी उन्होंने, और कोई नहीं जून 22 से अभी जून 23 तक यहाँ पे देखोगे तो कोई चेंज नहीं है, प्लेजिंग भी वही का वही है और उनके शेयर भी वही है, बेच भी नहीं रहे। रिवेन्यू देखोगे तो फ्लैट रिवेन्यू है, ठीक ठाक रिवेन्यू है 6,338 करोड़ का, और प्रॉफिट देखोगे तो यहाँ पे 290 करोड़ का लॉस, उसके बाद 260 और अभी 134 करोड़ का लॉस कर रही है दोस्तों। और क्वार्टरली भी देखोगे तो लॉस ही है कंपनी का, और डेट टू इक्विटी देखोगे तो इन्होंने थोड़ा सा डेट कम कर दिया है, मगर 4,000 करोड़ का डेट है दोस्तों आज भी, आज की डेट में भी, तो बहुत बड़ा डेट है कंपनी के पास। और ये तीनों के तीनों कंपनियाँ दोस्तों बहुत ही रिस्की टाइप की कंपनियाँ हैं,
आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो और थोड़ा सा डिटेल में स्टडी कीजिए दोस्तों। आगे चल के फ्यूचर क्या है वो प्रेडिक्ट करने आना चाहिए। फ्यूचर में ये कंपनी का कुछ फ्यूचर है क्या, भविष्य है इस कंपनी का कुछ, आपको लगता है तभी आप इसमें इन्वेस्ट करने की सोचिए। अदरवाइज वीडियो देखिए और निकल जाइए इससे। यहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस कंपनी में पैसा बना तो बना और नहीं बना तो नहीं बना। तो ऐसी कंपनियों में आपको बहुत रिस्क लेके इन्वेस्ट करना पड़ता है। और यहाँ पे ये हीरो और जीरो स्टॉक है। आपको रिटर्न दे गए तो यहाँ पे 500, 1000, 2000% की भी रिटर्न देके निकल जाएंगे। और रिटर्न नहीं मिले तो आपका जो भी पैसा है वो भी जीरो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो बहुत ही सोच समझ के आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।